नमस्कार, मैं नफीस अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज नाइन लाइव टीवी। बात करेंगे तबलीगी जमात से जुड़े मामले की, क्योंकि देश में कोरोना वायरस महामारी के चलते जहां दिल्ली का हजरत निजामुद्दीन मरकज चर्चाओं में है, तो वहीं मरकज के प्रमुख मौलाना साद भी तभी से चर्चा में है। दरअसल मौलाना साद का जनपद शामली के कांदला कस्बे में एक घर है, जिसमें पुलिस द्वारा ड्रोन कैमरे से सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। वहीं मौलाना साद के घर के बाहर खड़ी पुलिस को सर्च ऑपरेशन के दौरान खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ा है। आपको बता दें, दिल्ली हजरत निजामुद्दीन के प्रमुख मौलाना साद को लेकर देश भर में हलचल मची है। तो वहीं मौलाना साद का शामली जनपद के कांदला कस्बे में पुस्तैनी मकान है। इस पुस्तैनी मकान को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं हो रही है, लेकिन जब न्यूज नाइन लाइव टीवी की टीम ने मौलाना साद के पुस्तैनी मकान की पड़ताल की, तो पड़ताल के दौरान सामने आया कि मौलाना साद का यह पुस्तैनी मकान उनकी माता के नाम, ये मकान करीब 500 एकड़ की जमीन में बना हुआ है। इसी के बराबर में करीब 5 बीघे का एक मौलाना साद का पुस्तैनी बाग भी है, जिसमें अमरूद आम समेत तमाम फसलों को बोया जाता है। वहीं इस मामले में मौलाना साद के संधि मौलाना बदर ने न्यूज नाइन लाइव टीवी संवाददाता नासिर अली से बात करते हुए बताया कि यह मकान मौलाना साद की माता का पुस्तैनी मकान है, जो पिता के बाद उनके माता के नाम हुआ था। मौलाना साद का जन्म कांदला कस्बे में ही हुआ था, लेकिन वह बहुत लंबे समय से दिल्ली में ही रह रहे हैं, जहां पर उन्होंने अपना निवास स्थान बनाया हुआ है। मौलाना साद को लेकर इस तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि मौलाना साद फरार हो गए या मौलाना साद की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमों का गठन किया गया है, लेकिन यह सब अफवाह है। मौलाना साद के एडवोकेट लगातार पुलिस से वार्ता कर रहे हैं। जब भी पुलिस को मौलाना साद की आवश्यकता होगी तो मौलाना साद उनसे मिलेंगे। ऐसा नहीं कि मौलाना साद कहीं फरार हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज नाइन लाइव टीवी शामली। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बद्रुल हसन। अच्छा बद्र भाई, जिस तरीके से आपके सिंधी आजकल जो है काफी चर्चाओं में है, क्या पूरा मामला है? मामला यह है कि तबलीगी मरकज़ है, मरकज़ 1927 में हम मेरे हकीकी फूफा मौलाना इलियास साहब होते थे, उन्होंने मुसलमानों में जो बुराइयां थीं, जो बिगाड़ था उसको दूर करने के लिए, जो शराबी था, जो जुआरी था, जो बलात्कार करने वाला था, उन लोगों को सीधी रास्ते पे जोड़ने के लिए, मज़हब ने जो बात बताई हैं अच्छाई बात करने के लिए और बुरी बातों से रोकने के लिए ये काम शुरू किया था। और 1927 में कांदले से, तो वो उससे पहले चले गए थे, पहले उनके वालिद बहादुर शाह जफर के यहाँ मजहबी तालीम देते थे, आखिरी मुग़ल बादशाह के यहाँ। फिर उसके बाद से उन्होंने निज़ामुद्दीन में ये काम शुरू किया, और वो इब्तदा में लोगों को मजदूरी देते थे और उनसे ये कहते थे कि यहाँ मजदूरी क्या, पैसा लो और सीखो क्या अच्छी बातें। यूं करके उन्होंने अपनी तमाम जायदाद इस चीज़ पे ख़त्म की। उसके बाद उनके बेटे मौलाना यूसुफ साहब रहे, और मौलाना इलियास का तो डेथ हो गई थी 1944 में, और 1944 से 1965 तक मौलाना यूसुफ साहब, जो मौली साद साहब के दादा होते थे, वो इस काम के अमीर रहे। उसके बाद उनके रिश्ते के, मौलाना यूसुफ के रिश्ते के भाई, क्योंकि मौली साद के फादर की उस वक्त उम्र बहुत कम थी, 22-24 साल थी, तो उन वो उसके अमीर बने, और मौलाना इनाम साहब के ज़माने में काम ने बहुत तरक्की की, बहुत फैला। इस वक्त शायद दुनिया के 175 मुल्कों में ये तबलीग का काम है। मुस्लिम ऑर्गेनाइज़र कोई ऐसी नहीं है जिसकी इतनी पकड़ हो, इतनी पेट हो हर जगह। लेकिन उसकी एक मेन वजह यह रही कि उन्होंने इस पूरे 90-95 साल में एक भी ऐसा काम नहीं किया जो हुकूमत के ख़िलाफ़ हो। उनका काम, ना उन्हें किसी सियासत से कभी ताल्लुक़ है, ना उन्हें किसी हुकूमत से मुताल्लुक़ है कि किसी भी हुकूमत के बारे में, या कि कोई भी ऐसा मुद्दा जो हमारा मजहबी भी हो, वो अपनी हदूद से आगे ना उनके पे बोलते हैं। उनके तो सिर्फ जो काम है कि बुराइयों से रोकना और अच्छाइयों पे लोगों को लाना। सियासत में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उन्होंने इस पे कभी बहस नहीं की। इसीलिए गवर्नमेंट ने कहीं की भी हद ये कि कई यूरोप के मुल्क और सिंगापुर वगैरह ऐसे हैं जहाँ किसी और को काम करने की इजाज़त नहीं, लेकिन उन लोगों ने कहा कि आपके काम करने से हमारे यहाँ क्राइम पर
असर पड़ता है, जो क्रिमिनल है वो भली चीज की तरफ जाता है। अच्छा, ऐसा क्या कारण है जो उनके आवाज पर जो है ड्रोन कैमरे से तलाशी निगरानी? ड्रोन कैमरे से पहली बात तो ये कि शायद वो उनका आवाज है ही नहीं, वो तो मौलाना के नाम उसमें कुछ दिखा देंगे तो जब उनका माना जाएगा, वो तो उनकी माँ की पुश्तैनी जायदाद है। और कोई चेक करना चाहे तो 350 साल से वो हमारे ख़ानदान का एक बाग है, और उस पर दिखाया जा रहा है कि 25 एकड़ है तो बहुत अच्छा लगेगा, 5 एकड़ ज़मीन है वो, 24.5 बीघा जो हमारे यहाँ की कहलाती है वो इतनी ज़मीन है। और उनके माँ के नाम है, उनके माँ के नाम उनके फादर से आई है, उनके फादर के पास उनके फादर से आई है। ये सारा साद साहब की पैदाइश कांधले में हुई है, और वो लेकिन क्योंकि वो उन तकरीबन 100 साल से दिल्ली में उनका था, और वो मुस्तकिल उनकी रिहाइश दिल्ली में ही होती थी। साद साहब के 5 बच्चे हैं, 3 बेटे हैं, 2 बेटियाँ हैं। अच्छा, अब फिलहाल मौजूदा कहाँ रहते हैं? वो दिल्ली में है, दिल्ली में इस वक्त भी दिल्ली में मौजूद है। क्या कहा जा सकता है जिस तरीके से पुलिस सर्च ऑपरेशन चला रही है? इस पुलिस कोई सर्च ऑपरेशन नहीं चला रही है, मीडिया सिर्फ सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। पुलिस को अच्छी तरह मालूम है कि मौलाना कहाँ हैं, मौलाना ना कहीं फरार हुए हैं, ना ऐसी कोई बात पुलिस ने कही है। ये तो मीडिया ने कि 10 टीमें फलां जगह के लिए रवाना हो गई हूँ, 15 टीमें, कतई ऐसी बात नहीं है। उनके एडवोकेट जो है मुसलसल पुलिस से कांटेक्ट में है, और उनसे कहा है कि जब आपको ज़रूरत हो आप उनसे मिलना चाहें या उनको अपने पास बुलाना चाहें, वो हर वक्त अवेलेबल है। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए न्यूज़ 9 लाइव टीवी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए, फेसबुक पेज है न्यूज़ 9 लाइव टीवी, ट्विटर पर भी फॉलो कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल्स है @ न्यूज़ 9 लाइव टीवी।